नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग मूल अधिकारों के अगले चरण के जो विषय हैं उन सभी विषयों को यहां पर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में जहां पर हम लोगों ने खत्म किया था अर्थात अनुच्छेद 19 तक के जितने भी भाग थे उनके जितने भी विषय थे उन सभी विषयों को हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पिछली क्लास में पढ़े थे। उसी क्रम में हम लोगों ने 20 को भी पढ़ा था और उस 19 और 20 के बाद अगले ही जो खासतौर से हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार, उसी का जो अगला चरण है अनुच्छेद 21, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है नीचे दिया गया है उसको क्लिक कीजिए, जिससे जितने भी क्लासेस बनेंगी उन सभी के वीडियो लेक्चर आप तक लगातार उपस्थित होते रहेंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग ये विषय शुरू करते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार। इस विषय को हम लोगों ने समझ लिया था और इस विषय के बाद जो उसी में अगला चरण है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण, देखिए अनुच्छेद 21 जो शब्द का प्रयोग करता है प्राण, प्राण अर्थात व्यक्ति के जीवन की बात करता है, व्यक्ति की बात करता है, क्योंकि जब हम पूरा अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं तो उसमें सबसे एक अच्छा शब्द मिलता है हमको व्यक्ति, व्यक्ति की बात करता है। इसलिए प्राण किसमें है, व्यक्ति में हो सकते हैं, इसलिए मानव अधिकारों की बात है तो मनुष्य के अधिकारों की बात है, ये प्राण की बात करता है। दैहिक, दैहिक का मतलब है जो उस व्यक्ति का भौतिक शरीर हो सकता है, तो यहां पर भौतिक शरीर की भी बात करता है प्राण की भी बात करता है। तो इन दोनों की जो स्वतंत्रताएं हैं किसी एक व्यक्ति में जो समाहित हैं उन सभी की सारी के सारी बातों को यहां पर स्थापित करता है। तो इस विषय को हम लोग शुरू करते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ की शब्द का प्रयोग है इंग्लिश में, और पर्सनल लिबर्टी जो व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी हो सकती है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी व्यक्तिगत बात है अर्थात जो व्यक्ति है जो शरीर है उसकी आजादी की बात यहां पर की गई है। कैसी आजादी की बात की गई है ये कहता है, पहली दूसरी एक चीज और समझ लीजिएगा कि जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो इस डिटेल में हमको दो तरह के स्वरूप प्राप्त होते हैं। पहला यह है हमें व्यक्ति की बात तो करता है, किसकी, उन व्यक्तियों के अधिकारों की भी बात करता है और उन व्यक्तियों के लिए संरक्षण की भी बात करता है। दो तरह के अधिकार हमको यहां पर प्राप्त होते हैं अनुच्छेद 21 में, काफी अच्छा विस्तार है, सबसे अच्छा अनुच्छेदों में से एक है जो वास्तव में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो कैसी, प्राण एवं दैहिक के अंतर्गत अधिकार भी हैं और संरक्षण भी है, दो चीजें हैं इसके अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस शब्द को ध्यान रखिए, कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है अर्थात नहीं, अर्थात विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होगी उसी के द्वारा ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं। देखिए एक केस है एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जब वो उस केस की सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट तब उसने इसका व्याख्या की थी, वो कहता है कि यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ही संरक्षण देता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि कार्यपालिका के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यही तो हुआ, मतलब विधायिका की बात वो नहीं कर रहा था, कार्यपालिका अगर किसी भी प्रकार की कार्य करते हैं करता है तो उसके द्वारा जो संरक्षण है उनकी बात कर रहा था। दूसरी चीज, जब हम एक ही गोपालन केस पढ़ते हैं, काफी पुराना केस है तो काफी बदलाव हो गया, तो उसमें यह भी था कि किसी व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार जो होते हैं, नेचुरल पावर्स जो होते हैं, नेचुरल राइट्स जो हो सकते हैं, एक व्यक्ति व्यक्ति है इसलिए उसको मिलते हैं, वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं है, कब नहीं, एक ही गोपालन केस में कहता है। लेकिन जब हम बाद में समय में बहुत सारे केसेस देखते हैं, इस ये तो एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें केस की भंडार है, क्योंकि हर तरह से हर विषय पर एक एक केस आपको मिलेगा, उनकी पूरी की पूरी स्वतंत्रताएं जो इसमें वर्णित है उसमें लगभग लगभग किसी न किसी
केस के माध्यम से ही हमको प्राप्त हुई है। तो इसमें केस के भंडार है। बाद में एक 1978 का मेनका गांधी केस है। मेनका गांधी केस की सुनवाई के दौरान उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे अधिकार दिए, साथ में ये भी कहा कि नहीं, केवल और केवल कार्यपालिकी विधियों से संरक्षण ही नहीं दे रहा है, कार्यपालिकी विधियों की प्रक्रिया ही नहीं, नैसर्गिक अधिकारों के आधार पर भी व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। देखिए, जब हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो केवल हमारे संविधान में ही वर्णन नहीं है, अमेरिकी संविधान आप पढ़िए उठाकर, तो अमेरिकी संविधान में भी इसका वर्णन, लेकिन हमारे यहां से अधिक अधिकार है वहां पर, क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में ही उसको नैसर्गिक अधिकार बना दिया गया, नेचुरल राइट्स हो गए कि कोई व्यक्ति एक मनुष्य है, मानव है, तो वह व्यक्ति व्यक्ति होने की वजह से ही अधिकार प्राप्त करेगा। ये नहीं होगा कि वह नागरिक है, नागरिक नहीं है, उसको विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, अगर नहीं प्रक्रिया है विधि के द्वारा स्थापित, तो उसको अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, ऐसा वहां पर नहीं था। उसी आधार पर जब 1978 में हम केस देखते हैं, मेनका गांधी केस, तो भारत में भी इस चीज की व्याख्या की गई, हालांकि आधार अमेरिकी केस नहीं था, अमेरिकी व्यवस्था नहीं थी, भारतीय व्यवस्था थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी तरह का जजमेंट दिया, व्याख्या की और इसको इतना अधिक विस्तृत बना दिया कि मनुष्य के जो भी नैसर्गिक अधिकार हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर उस भारतीय नागरिक और भारत में जो व्यक्ति है उन सभी को प्रदान कर दिए गए। इसीलिए यह दूसरी स्थिति इसकी है कि व्यक्ति के अधिकार है। व्यक्ति के अधिकार का मतलब ये क्या है कि ये नागरिकों के अलग के लिए ही मात्र नहीं है, भारत आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, कैसे भी हों, उन सभी को ये अधिकार प्राप्त है। दूसरा, जेल में बंद जो कैदी हैं, वो भी अधिकार प्राप्त हैं। अगर संविधान, अगर संसद के द्वारा किसी को वंचित किया गया, प्रतिबंधित किया गया है, तो उनमें उनको संरक्षण प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि यहां व्यक्ति की स्थापना की गई, नागरिक की स्थापना नहीं की गई। तो व्यक्ति की स्थिति है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, और अगर वंचित करने की स्थिति भी बनती है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात है जो अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिकी संविधान की तरह ही ये भी भारत के लिए अब कैसे अधिकार हो गए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित नैसर्गिक अधिकार हो गए हैं, अर्थात नेचुरल राइट्स को बना दिया गया है कि कोई व्यक्ति मनुष्य है, इसलिए उस व्यक्ति को ये सारे अधिकार मिलने चाहिए अपने समावेशी विकास के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, वो अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसके विकास के लिए, हर तरह के अधिकार। तो केवल ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं बचे हैं, अर्थात इनका स्वरूप कहीं ना कहीं पूर्णतया अब नैसर्गिक हो गया, क्योंकि व्याख्या इसकी लगातार होती चली जा रही, हम देख रहे हैं। दूसरी स्थिति, जब वो एक ही गोपालन केस था तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कार्यपालिका के द्वारा प्रदत्त विधियों पर ही संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन अब क्या है ये केवल कार्यपालिका की विधियों पर ही संरक्षण ही प्रदान करता है, यह विधायिका की विधियों से भी हमें संरक्षण प्रदान करता है। विधायिका की विधियां कैसी हो सकती है? विधायिका की विधियां कैसी हो सकती है? जैसे हम कानून देखते हैं, संसद के द्वारा बनाए गए कानून, विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए कानून हो सकते हैं, राज्य में अगर किसी स्थानीय शासन को कोई अधिकार प्रदान किया गया है तो उसके द्वारा बनाए गए कानून हो सकते हैं। तो ये जितने भी हमारी विधायिकाएं हैं, जो संसद हो सकती है, विधानसभाएं हो सकती हैं, उन सभी के द्वारा बनाए गए कानूनों से भी हमें संरक्षण प्रदान करता है। आईपीसी, सीआरपीसी या राज्यों के कानून, इनमें अगर किसी भी प्रकार की अव्यवस्थित स्थितियां हैं तो वहां पर हमको क्या देता है, संरक्षण प्रदान करता है। दूसरी स्थिति, कैसा संरक्षण प्रदान करता है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि आखिर संरक्षण की बात कैसे करता है। अधिकार तो अभी हम समझेंगे कि आखिर अधिकार कौन से हैं, लेकिन पहले संरक्षण समझ लेते हैं। ये कहता है कि विधि में प्रक्रिया निहित होनी चाहिए, तभी संबंधित व्यक्ति को किसी भी तरह से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अर्थात अगर संसद की विधियों के अंतर्गत उस व्यक्ति के द्वारा किसी विधि का उल्लंघन किया जाता है तो उस विधि की प्रक्रिया जो होगी, सीआरपीसी जिसे कहा जाता है, उसको होगी तो ही संबंधित व्यक्ति को वंचित किया जाएगा, अन्यथा वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी
वो रिजु अर्थात फेयर होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए, जस्टिस उसमें दिखाई पड़ना चाहिए और युक्त युक्त अर्थात रीजनेबल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी किया और कुछ भी से जोड़ दिया, कहीं पर भी कुछ भी जोड़ दिया, इससे ये उससे वो, और उसके आधार पर संबंधित व्यक्ति को सजा दे दी गई, ऐसा नहीं। तार्किकता होनी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को सजा क्यों दी जा रही है, वो प्रश्नों के सारे उत्तर वहां पर मौजूद होने चाहिए। और दूसरी तीसरी स्थिति ये है कि अनुच्छेद 14 जो विधि की समानता की बात करता है, समता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 19 जो एक व्यक्ति के समावेशी विकास के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, उन सभी के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि समानता के भी नियम नहीं लागू किए गए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सजा दे दी गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कहीं पर निवास कर रहा है, कोई व्यक्ति कहीं पर कार्य कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, तो अनावश्यक रूप से उसे उन सारी स्वतंत्रताओं से वंचित कर दिया जाए, जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर वंचित करने का प्रयास भी किया जाए, तो यह नहीं होना चाहिए। अर्थात यह अनुच्छेद 14 के नियमों के अनुरूप हो जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, अनुच्छेद 19 की सारी स्वतंत्रताओं को भी निहित करता हो, तब संबंधित प्रक्रिया में यह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जब हम ये तो संरक्षण की बातें हो गई, अर्थात संरक्षण भी प्रदान करता है, दूसरी चीजें हैं संरक्षण में और भी बातें हैं, उनको अभी अधिकारों के साथ समझेंगे। देखिए जब हम अधिकारों की बात करते हैं कि आखिर अनुच्छेद 21 में कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, तो एक सरल शब्द में समझिए कि किसी भी व्यक्ति के समावेशी विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा समाज के विकास के लिए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार के विकास के लिए जिन मूलभूत आवश्यक स्वतंत्रताओं की आवश्यकता है, अधिकारों की आवश्यकता है, वो सारे के सारे अधिकार इसके अंतर्गत वर्णित किए गए। कैसे? रोड एंड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उसे चाहिए क्योंकि उसे व्यापार करना है, तो व्यापार के लिए जो सहूलियत हो सकती है वो सारी उपस्थित होनी चाहिए क्योंकि ये उसकी जरूरत है। ये सारी बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही भी कहा कि पेयजल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा पेयजल जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सके, अच्छा पर्यावरण, साफ सुथरा पर्यावास, ऐसी भी आवश्यकता है, बिजली पानी ये सब तो हो ही, पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए। साथ में इसके अतिरिक्त जो कार्यस्थल हो सकते हैं, जैसे ये राजस्थान का एक विशाखा केस है, ये भारतीय न्यायपालिका के द्वारा अनुच्छेद 21 के लिए एक मील का पत्थर बना दिया गया, माइलस्टोन मान सकते हैं हम इसको, विशाखा केस को, क्योंकि उस केस ने 2005 में, उस केस के कारण 2005 में बहुत सारी परिवर्तन मिले उनको। कार्यस्थलों पर जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो कार्य करती हैं उनके यौन शोषण जैसी स्थितियां होती हैं, उनसे बचने के लिए बहुत सारे संरक्षण प्रदान किए गए, वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही आते हैं सारे के सारे। मेनका गांधी केस 1978 ये भी एक माइलस्टोन है हमारे इस अनुच्छेद 21 के लिए, क्योंकि उस केस में संविधान पीठ ने जो सुप्रीम कोर्ट की थी उसने ये घोषित किया कि कोई भी व्यक्ति भारत में निवास करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जा सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अनुच्छेद 19 में है। अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो यह उसकी गरिमा के लिए का कार्य है, यह उसके समावेशी विकास का कार्य है, अगर वो अफोर्ड करता है तो वह जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने से बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि यह अनुच्छेद 19 में भी निहित है, लेकिन वास्तविक व्याख्या जो हमको मिलती है वो अनुच्छेद 21 में ही प्राप्त होती है। इसी तरह जब हम बाकी छोटे छोटे अधिकार देखते हैं, अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा से संबंधित अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, अच्छे वातावरण होने चाहिए, पाठ्य पुस्तकें उपस्थित होनी चाहिए, अब तो 21A भी इसके अंतर्गत जोड़ दिया गया जिसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है, वो भी 21 के ही एक भाग के रूप में यहाँ पर स्थापित है। इसके साथ ही अच्छा भोजन होना चाहिए, भोजन में दो चीजें हैं, आप खुद खरीद कर अफोर्ड कर सकते हैं तो भी अच्छा ही होना चाहिए, हालांकि भारत तो मिलावट के लिए प्रसिद्ध है लेकिन फिर भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपको निशुल्क भोजन अगर प्राप्त करना है तो निशुल्क भोजन प्राप्त करने का अधिकार भी आपको
दिया गया है। जैसे बहुत सारे भंडारे होते हैं, अब निःशुल्क का मतलब ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति के घर में जाइए और कहिए कि मुझे भोजन दो और प्रतिदिन भोजन दो, ये निःशुल्क के रूप में नहीं। मतलब एक कहीं पर भंडारा हो रहा है, कहीं पर किसी भी प्रकार का ऐसा आयोजन हो रहा है जहां निःशुल्क भोजन वितरण है, प्लस शासन के द्वारा ऐसे लोग जो हो सकते हैं जो गरीब हैं, वंचित हैं, कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए राशनिंग प्रणाली जो भारत में लागू की गई उसके माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं और कम मूल्य पर या निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जा सकती है। जैसे अंत्योदय योजना, मिड डे मील योजना, यह भी ऐसे ही अधिकार के अंतर्गत शामिल होती है। इसकी साथ ही जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा वातावरण हो सकता है, जैसे आप हमारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 6 घंटे 7 घंटे सोना अनिवार्य है अच्छी स्वास्थ्य के लिए, तो सोने का अधिकार जो है वो भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही नींद होता है। नींद का अधिकार आपको याद होगा बाबा रामदेव वाला केस, जिसके आधार जहां पर जब धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा था तो अचानक से पुलिस ने रात में हमला, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया सोते हुए लोगों के ऊपर, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सोते हुए लोगों को ना तो जगाया जा सकता है ना ही उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सोने का अधिकार, नींद का अधिकार जो है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। अगर वह सोएगा नहीं तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसके बाद, उसकी मृत्यु भी हो सकती है या वो पागल भी हो सकता है, तो कुछ भी स्थिति। तो इसलिए नींद का अधिकार जैसा अधिकार भी इसी के अंतर्गत वर्णित है। अगर हम इसी तरह लगभग जितने भी आपको समान अधिकार देखते हैं वो सारे इसके अंतर्गत वर्णित किए गए। अगर हम संरक्षणों की बात करें तो संरक्षण की स्थिति क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि विधि के प्रक्रिया द्वारा ही अगर कोई उल्लंघन है तो ही संरक्षण, तो संरक्षण जरूर प्राप्त होगा। अगर विधि की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे आप देखते हैं हथकड़ी लगाकर लेना, हथकड़ी लगाकर लेकर तब तक नहीं जाया जा सकता है जब तक संबंधित व्यक्ति अपराधी घोषित नहीं हो जाता है। अर्थात हथकड़ी लगाना कहीं ना कहीं उसके सामाजिक जो सम्मान है उसको क्षति पहुंचाता है, गरिमापूर्ण जीवन को क्षति पहुंचाता है, इसलिए नहीं किया जा सकता ऐसा काम। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, जैसे हम अनुच्छेद 22 की बहुत सारी स्वतंत्रताएं बहुत पढ़ेंगे, तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि आखिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो उसकी जानकारी दी जाएगी और जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाएगा। जेल में बंद कैदी निश्चित होते हैं, उनके मौलिक अधिकार सीमित होते हैं या नहीं भी होते ऐसा भी है, लेकिन अब उनसे जबरदस्ती कार्य तो नहीं करवाया जा सकता भाई, उनको सजा दी गई है, बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता। जैसे बाहर जेल के बाहर भी व्यक्ति से किसी तरह से बेगारी या बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता, जबरदस्ती कार्य नहीं करवाया जा सकता। अगर करवाया जा रहा है तो उसका मूल्य देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, अगर नहीं दिया जाता तो वो बेगारी या बलात्श्रम कहलाता है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति हैं जो जेल में बंद हैं, अगर उनसे कार्य करवाया जाता है तो उनको कहीं ना कहीं जो उनका पारिश्रमिक होगा वह वेतन होगा वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और बाकी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, न्यूज़पेपर लिखना पढ़ने से संबंधित सामग्री हो सकती है, तो ऐसी सामग्रियां भी उनको उपलब्ध करवाने का आदेश है इसके अंतर्गत, अर्थात व्याख्या के अंतर्गत नहीं है। तो ये जितने भी विषय हैं, और जैसे एक और विषय है पुलिस अभिरक्षा में किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने बहुत पीटा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो यह सब प्रतिबंधित है, अर्थात ऐसे रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है, तो यह भी विषय इसी के अंतर्गत निहित होता है। और जो भी एक जैसे एक और विषय संरक्षण के अंतर्गत मान सकते हैं कि कोई महिला है और वो महिला चाहती है कि वह बच्चा पैदा न करे, अनावश्यक दबाव डालकर उस महिला को गर्भवती होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। एक बात दूसरी, किसी भी महिला के साथ अनावश्यक रूप से सेक्स जैसी स्थितियां नहीं की जा सकती हैं, यह उसकी मर्जी पर निहित होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बाकायदा व्याख्या की है। तो ये सब विषय जो है छोटे छोटे जिनमें अधिकार भी हैं, जिनमें संरक्षण भी हैं, वो सब हमको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त होते हैं।
तो ध्यान रखिएगा ये काफी विस्तृत विषय है या जो भी इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन दिए गए हैं वो काफी विस्तृत हैं। छोटे छोटे जो पॉइंट हैं वो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं, जैसे हथकड़ी वाला क्वेश्चन आ चुका है, डॉक्टर्स वाला क्वेश्चन आ चुका है कि अगर कोई मरीज वहां पर पहुंचता है तो डॉक्टर पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगा, अगर कोई ऐसा जो इस पर कानूनी प्रक्रिया हो सकती है तो क्या डॉक्टर पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगा या पहले अपनी जो चिकित्सीय व्यवस्था है उसका कार्य करेगा। तो ये व्यक्ति का जो मरीज वहां पहुंचा है, चाहे उसको गोली लगी हो, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तो यह उसका अधिकार है कि डॉक्टर पहले उसकी चिकित्सा करे, कानूनी कार्रवाई बाद में करे, अन्यथा डॉक्टर के ऊपर किसी भी तरह का केस जो उस प्रक्रिया के अंतर्गत होगा वह किया जा सकता है। ऐसा हुआ भी है दिल्ली में, एक बड़े नामी हॉस्पिटल के द्वारा ऐसा किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर 9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। तो ये भी दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया था क्योंकि तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन था। तो यह अनुच्छेद 21 है जिसमें स्वतंत्रताएं हैं, अधिकार है, संरक्षण है, समावेशी विकास को लेकर हर वह विषय है जो किसी एक सामान्य मनुष्य नागरिक को चाहिए, मनुष्य को चाहिए। इसका एक छोटा सा भाग भी है अनुच्छेद 21A बाद में जोड़ा गया विषय है जो 86 संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत 3 जगह संशोधन हमको मिलते हैं, 1 जगह नहीं मिलता, 3 जगह मिलते हैं। 21A यहां मिलता है, उसके बाद जब हम कर्तव्यों में उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जाते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में, तो वहां पर आर्टिकल 46 है जहां पर बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार है। जब 51A मूल कर्तव्यों में जाते हैं तो आर्टिकल जो उसका पॉइंट नंबर 11 है, पहले तो 10 थे अब 11 जोड़ दिया गया, वो भी इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं परिवर्तित संशोधित किया गया था। तो 86 संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत क्या किया गया, यहां पर 21A जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है निशुल्क शिक्षा का अधिकार, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये राज्य के कर्तव्य है। जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखते हैं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वहां बात कही गई, माता पिता के कर्तव्य है जब मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, और यहां पर बच्चों का अधिकार है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो उनके लिए आवश्यक है, भविष्य के लिए आवश्यक है, वो उनको प्राप्त होती रहे। तो यह विषय जो है वो इसके अंतर्गत है। इसी के अंतर्गत जब हम शिक्षा का अधिकार देखते हैं, 2010 में भारत में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, 2010 का शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जिसके आधार पर जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, ऐसे बच्चे जो ऐसे क्षेत्रों में निवास करते हैं जहां एक लंबे दायरे 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का प्राइमरी या सरकारी स्कूल नहीं है, तो उन क्षेत्रों के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर लगभग 25% सीटें निर्धारित की जा सकती हैं वहां की जिला कमेटी के द्वारा, और उसका जो खर्च आएगा, उन बच्चों का पढ़ने का जो खर्च आएगा वो फिर शासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो यह सारा का सारा राइट टू एजुकेशन जैसी व्यवस्था अनुच्छेद 21A के अंतर्गत स्थापित की गई है। तो ये 21A है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर तो प्रश्न हमेशा आते रहे, इसके जो छोटे छोटे अधिकार हैं उन पर प्रश्न आते रहते हैं। विशाखा केस को जरूर याद रखिएगा, विशाखा केस जो विशाखा वर्सेस राजस्थान केस है, बहुत माइलस्टोन माना जाता है भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया का, और वो भी 21A के अंतर्गत ही शामिल है। मेनका गांधी केस भी इसके अंतर्गत शामिल है। जब हम केशवानंद भारती बनाम केरल वाद राज्य देखते हैं तो वो भी इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारी व्याख्या देखते हैं। गोपालन केस देखते हैं, गोपालन वर्सेस मद्रास केस जो है वो देखते हैं। तो इसके साथ ही बहुत सारे केस हैं, कोई यही केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं, उनको याद रखिएगा। यहां पर एक मोहिनी नाम से एक महिला का कोई केस है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मूल अधिकार घोषित किया, उनसे संबंधित जो भी उन्होंने एक केस किया था, फाइल किया था केस, तो उसके आधार पर उसी सुनवाई के दौरान इस राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। तो ये भी केस याद रखिएगा। तो ये सारे केस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इनको याद रखिएगा। तो ये अनुच्छेद 21 और 21A है, उसके प्रावधान है, याद रखिएगा।
और इसके बाकी के इसके आगे के जो भी मौलिक अधिकार हैं उनको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, अगर नहीं पसंद तो डिसलाइक भी कीजिए, शेयर करिए, और कोई बात है, कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, और नए वीडियो नई क्लास के लिए